अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी को लेकर तालिबान और उसकी विरोधी ताकतों ने अलग अलग दावे किए हैं। तालिबान ने पंजशीर घाटी को घेरने की जानकारी दी है तो विरोधी ताकतों ने उसे इस इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी है। अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के समर्थन वाली सेना और तालिबान ने पंजशीर घाटी को लेकर बातचीत जारी होने की जानकारी भी दी है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पंजशीर घाटी को तीन तरफ से घेरे जाने की जानकारी दी और ट्विटर पर लिखा, अमीरात मामले को शांति के साथ सुलझाना चाहता है। तालिबान ने राजधानी काबुल समेत अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पंजशीर घाटी अब तक तालिबान के पहुंच से दूर रही है। हालांकि सोमवार को तालिबान के बाहर भी तालिबान का विरोध होने की रिपोर्ट्स मिली हैं। समाचार एजेंसी AFP ने तालिबान की ओर से किए गए दावों की जानकारी देते हुए बताया है कि तालिबान के लड़ाके पंजशीर में आगे बढ़ रहे हैं। तालिबान के मुताबिक उनके लड़ाकों ने पंजशीर घाटी को घेर लिया है। BBC उर्दू सेवा ने तालिबान सूत्रों के हवाले से बताया है कि तालिबानी कमांडर कारी फसीहुद्दीन इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। उधर तालिबान के खिलाफ एक प्रमुख ताकत के तौर पर देखे जाने वाले पूर्व सरकार के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने भी दावा किया कि तालिबान पंजशीर घाटी में दाखिल होने के रास्ते में अपने लड़ाकों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तालिबान को आगाह किया है कि उनके लड़ाकों को इस इलाके से बचना चाहिए। तालिबान के एक प्रवक्ता ने काबुल में दावा किया था कि उनकी पंजशीर घाटी के लोगों से बातचीत हो रही है। प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि जल्द ही पंजशीर घाटी पर शांतिपूर्ण तरीके से तालिबान का कब्जा हो जाएगा। वहीं समाचार एजेंसी AFP ने अफगानिस्तान की पूर्व सरकार की सेना के एक प्रवक्ता के हवाले से बताया है कि सेना के अधिकारी पंजशीर में तालिबान के साथ लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही तालिबान के साथ बातचीत की कोशिश में भी जुटे हैं। तालिबान ने यह भी दावा किया कि बगलान प्रांत के बानू समेत 3 जिलों पर उसका कब्जा हो गया है। दूसरी तरफ विरोधी ताकतों ने 300 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। तालिबान ने इस दावे को गलत बताया है। तालिबान और बाकी दुनिया की सबसे ज्यादा दिलचस्पी पंजशीर घाटी में है। ये घाटी काबुल के उत्तर में है और हिंदुकुश पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसे लंबे समय से तालिबान विरोधी ताकत के केंद्र के रूप में देखा जाता है। अफगानिस्तान की भौगोलिक और सामरिक स्थिति को लेकर अच्छी जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों का दावा है कि भले ही अपने पिछले कार्यकाल में तालिबान पंजशीर घाटी पर कब्जा न कर सका हो, लेकिन इस बार उसे ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तालिबान के लिए पंजशीर घाटी को घेर लेना ही काफी होगा। तालिबान के हालिया दावे इसी तरफ इशारा करते हैं। ये घाटी अहमद वली मसूद का गढ़ मानी जाती है। अहमद शाह मसूद की मौत साल 2001 में हुई थी। मरने के पहले तक अहमद शाह मसूद ने पंजशीर घाटी पर दबदबा बनाया हुआ था। उन्होंने सोवियत अफगान युद्ध और तालिबान के साथ गृह युद्ध के दौरान इसे अभेद्य किला बनाए रखा। तालिबान ने हाल में जब काबुल समेत अफगानिस्तान के तमाम इलाकों पर आसानी से कब्जा कर लिया, लेकिन पंजशीर घाटी अब तक उनके अधिकार में नहीं आई है। अब भी तालिबान के खिलाफ विरोध के सबसे तीखे सुर यहीं से सुनाई दे रहे हैं। AFP समेत कई समाचार एजेंसियों पर इलाके की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें किशोर उम्र के लड़के तक बंदूकें थामे दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सरकार में उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्ला सालेह और अहमद वली मसूद ने यहीं से तालिबान के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। सालेह अफगानिस्तान की खुफिया सेवा के प्रमुख भी रह चुके हैं। अहमद मसूद के एक हालिया बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। उन्होंने दावा किया, मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हूँ। मुजाहिदीन के लड़ाके एक बार फिर तालिबान से लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद खुद को राष्ट्रपति घोषित करते हुए संघर्ष का ऐलान करने वाले सालेह ने रविवार को दावा किया कि तालिबान पंजशीर घाटी के करीब अपने लड़ाकों को इकट्ठा कर रहा है। उन्होंने तालिबान को आगाह किया है कि वो पंजशीर घाटी और उसके आसपास के इलाकों से दूर रहें। सालेह ने ट्विटर पर दावा किया कि तालिबान को अंदराब घाटी में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने सालंग राजमार्ग बंद होने की भी जानकारी दी और साथ ही लिखा कि तालिबान को इन इलाकों से बचना चाहिए। पंजशीर घाटी को लेकर विशेषज्ञ भी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में अफगान मामलों के जानकार जाइल्स डोरुन सोरो ने समाचार एजेंसी AFP से बात करते हुए कहा, फिलहाल पंजशीर घाटी का प्रतिरोध केवल मौखिक है। तालिबान ने अभी तक पंजशीर में दाखिल होने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने दावा किया, तालिबान को केवल पंजशीर की घेराबंदी करने की जरूरत है, उन्हें वहां जाने की भी जरूरत नहीं होगी। तालिबान फिलहाल इस रणनीति पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि बगलान प्रांत 3 जिलों बानू, पुले हिसार और सालाह पर उनका कब्जा हो गया है और अंदराब समेत 3 और जिलों में वो मजबूत स्थिति में हैं। उन्होंने दावा किया कि सालांग घाटी में भी ट्रैफिक दोबारा शुरू हो गया है।
अफगान इस्लामिक प्रेस यानी AIP ने बगलान प्रांत के पुलिस के पूर्व प्रवक्ता अहमद जावेद बशारत के हवाले से दावा किया था कि बगलान के इन जिलों में झड़पें जारी हैं। AIP ने बगलान प्रांत के काउंसिल चेयरमैन रहे मोहम्मद सफदर मोहसनी के हवाले से बताया है कि तालिबानी लड़ाकों के हमले में आम नागरिकों की जाने गई हैं, उन्होंने घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। मोहम्मद सफदर तालिबानी लड़ाकों के मुकाबले में जुटे हुए हैं।